I'm Gita Verma and welcome to our channel Your Pedia Job Updates and Preparation. जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ये अप्लाई किया क्या की सीरीज़ है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में आने वाली डेडलाइंस के बारे में. अपकमिंग वीक में कौन कौन सी डेडलाइंस है जो मंडे से लेकर संडे के बीच में रहेंगी, उसे हम कवर करेंगे. आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक कौन कौन सी डेडलाइंस हैं जो कि आने वाली हैं और जिसके लिए आप टाइमली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, हर एक डोमेन में वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस आउट की जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कैंडिडेट से मिस हो जाती हैं लास्ट डेट्स और कभी कभी तो क्या होता है कि वैकेंसीज के बारे में पता भी नहीं होता. तो अप्लाई किया क्या कि इस सीरीज़ में हम लास्ट डेट्स को कवर करते हैं ताकि आपकी कोई लास्ट डेट मिस ना हो एंड टाइमली आप अप्लाई कर दें. प्लस हम कवर करते हैं कुछ न्यू वैकेंसीज भी ताकि आपको अपडेट मिल जाए उन वैकेंसीज के रिगार्डिंग एंड आप टाइमली यहाँ पर अप्लाई कर सकें. तो डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसकी लास्ट डेट आ चुकी हैं. नेक्स्ट वीक मंडे से संडे के बीच में डेडलाइंस हैं, अब उसके लिए आपको टाइमली अप्लाई करना होगा. तो जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एवरी सैटरडे 7 PM पर हम नेक्स्ट वीक कौन कौन सी डेडलाइंस है उसे डिस्कस करते हैं. सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा चैनल को ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें एवरी सैटरडे 7 PM पर एंड आपकी कोई भी जो डेडलाइंस हैं वो मिस यहाँ पर ना हो. और भी अगर कोई पॉइंट है, फीडबैक है जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर मैसेज करके बताइएगा कि कौन कौन से फीडबैक्स हैं जो आप और ज़्यादा चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड किए जाएं. अभी पहले कमेंट आया था कि एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए, वो भी अब इंक्लूड की गई हैं एंड उसी के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीक में आने वाली डेडलाइंस के बारे में. फर्स्ट मैं यहाँ पर बताऊँ तो इंडियन बैंक की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं. देखिए, सभी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं, अब किसी भी डोमेन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए. 146 वैकेंसीज आउट की गई हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं. लास्ट डेट आ चुकी है इसकी अप्लाई करने की, तो लास्ट डेट का ध्यान रखिए और अप्लाई कीजिएगा. 1 अप्रैल तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड 1000 rupees की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रहेंगी. सभी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और जो अपर एज लिमिट है वो मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया है. रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी क्या यू नो रिलैक्सेशन रहेगी, उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर गो थ्रू करना होगा. जो ये लिंक्स हैं मैंने सभी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं. एंड नेक्स्ट मैं वैकेंसी की बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं. 5 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी, यानी कि नेक्स्ट वीक 5 अप्रैल लास्ट डेट है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए. एंड यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग साइंस डोमेन से हैं कर सकते हैं अप्लाई. सिलेक्शन प्रोसेस पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा. तो हर एक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए. नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर नैल्को की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, साइंस डोमेन से हैं, कर सकते हैं अप्लाई. गेट 2023 के बिहाफ पर, इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा. देखिए, रिटन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं आप फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म एंड यू कैन प्रिपेयर विद योर पीडिया. प्रॉपर रिटन एग्जाम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं योर पीडिया के प्लेटफॉर्म पर. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट यू कैन हैव योर फाइनल सिलेक्शन. इंटरव्यू बहुत मेन होता है, प्रॉपर वेटेज होती है, लास्ट स्टेज होती है हर एक जॉब वैकेंसी में सिलेक्शन में. तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फिल आउट जरूर कीजिएगा इंक्वायरी फॉर्म एंड यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट अस. तो यहाँ पर 2 अप्रैल है, अप्लाई करने की लास्ट डेट आ चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए. नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर IIT मद्रास की तरफ से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एंड जूनियर टेक्नीशियन की 41 वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट डेट पे फोकस कीजिए, यहाँ पर 2 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए. एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, लास्ट डेट जब होती है ज़रूरी नहीं है कि रात के 12 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं. कुछ जो वैकेंसीज होती है उसमें 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं इवनिंग में, या फिर 5 PM तक, 5:30 तक, इस तरीके की टाइमिंग्स होती हैं. तो उस पर ज़रूर फोकस यहाँ पर कीजिएगा. लास्ट डेट का मतलब ये नहीं है कि रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइमिंग्स भी मैंशन की है इस बार ताकि आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकें. तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग डोमेन से, कर दीजिए आप अप्लाई इसके लिए. नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो कॉटन यूनिवर्सिटी की तरफ से टीचिंग वैकेंसीज आउट की गई हैं. अब यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, उसकी लास्ट डेट मैंने यहाँ पर मेंशन की है. अप्लाई कर दीजिए इन पोजीशंस के लिए, पहले आपको ऑनलाइन लास्ट डेट का ध्यान रखना होगा 2 अप्रैल
ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट रहेगी। किसी भी डोमेन से कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट बात करें तो CBSE की तरफ से CTET की जो एप्लीकेशंस हैं वो आउट हुई थी एंड यहाँ पर लास्ट डेट आ चुकी है 2 अप्रैल 2024 तक। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए आप। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, 1000 रुपीज़ तक की फ़ीस है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पर बताई है। रिजर्व कैटेगरी के लिए इतनी फ़ीस नहीं लगेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर गो थ्रू करना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं, साइंस डोमेन से हैं, कर सकते हैं अप्लाई। रिटर्न एग्जाम यहाँ पर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा, लास्ट डेट रहेगी 5 अप्रैल, तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात करी जाए तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज 7 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अब आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं कर सकते हैं अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे इन पोजिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर DME मध्य प्रदेश में टीचिंग वैकेंसीज आउट की गई हैं, 448 वैकेंसीज यहाँ पर रहेगी, 7 अप्रैल लास्ट डेट, अपर एज लिमिट 65 रहेगी एंड साइंस डोमेन से जो भी हैं अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, 42 वैकेंसीज एंड 4 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इन पोजीशंस के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 153 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी एंड यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल है तो करिए यहाँ पर अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे एंड 2 टीयर्स एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जामिनेशन के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात की जाए तो MDU की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर आपने अपनी PhD कंप्लीट की है, कर सकते हैं आप अप्लाई पोजीशंस के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की है, किसी भी डिसिप्लिन से हैं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा अगर आप टीचिंग पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात की जाए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेडमास्टर की वैकेंसीज हैं, 6000 से भी ज़्यादा पोजीशन, 2 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। BA की हुई है, BSc की हुई है या फिर BEd की हुई है आपने अपनी कंप्लीट, तो यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। CTET क्वालिफाइड हैं, स्कूल पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, कर दीजिए अप्लाई। यहाँ पर हेडमास्टर की पोजीशन आउट की गई हैं, लास्ट डेट 7 अप्रैल रहेगा अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेड टीचर की वैकेंसीज रहेंगी, 40000 से भी ज़्यादा की ये पोजीशंस हैं जो कि आउट की गई हैं, अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन लिंक, हर एक वैकेंसी का जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है वो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ टेलीग्राम पर एंड व्हाट्सएप पर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज फुल डिटेल्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। एप्लीकेशन लिंक्स है वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे और जो ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं आपके लिए, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी हमने डिस्कस किया है वो सबकी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएँ। तो हमारा जो चैनल है योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन, उस पर हम डिस्कस करते हैं एवरी सैटरडे 7 PM पर अप्लाई किया क्या की सीरीज़, जिसमें हम बताते हैं अपकमिंग वीक में कौन कौन सी डेडलाइंस हैं जो कि आने वाली हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को हम कवर करते हैं एवरी संडे 7 PM पर, ताकि आप बहुत सारी वैकेंसीज़ को एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर कर सकें। जॉब नोटिफिकेशंस हैं, वेरियस पोस्ट आउट की जाती हैं उसे हम कवर करते हैं, इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस को भी हम कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, किसी भी डिसिप्लिन से हैं, हर टाइप की वैकेंसीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपने देखा है कि मैंने हर एक डिसिप्लिन को यहाँ पर कवर किया है, डिसिप्लिन को मैं स्पेसिफिकली मैंशन करती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग के हैं तो यहाँ वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं या फिर इन पोजिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन से हैं, हर प्लान के लिए वैकेंसीज निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, जो भी पोजीशन आउट की जा रही है तो वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी रिसेंटली IFSCA की तरफ से ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसीज आउट हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर की, और उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के भी अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डोमेन के साथ साथ। तो वहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी गो थ्रू करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जॉब अपडेट्स मिलते रहें। एंड येस, टेलीग्राम,
एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पर ज़रूर फॉलो करते रहिएगा. लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर रिटन एग्जाम, फॉर द इंटरव्यू यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट योर पीडिया फॉर द सेम. थैंक यू.